वैसे तो मैं एलियंस में कभी विश्वास नहीं करता था, पर अब अनदेखा भी नहीं कर सकता। मैं 2 करोड़ लोगों की कुर्बानी देकर 700 करोड़ निर्दोष लोगों की जिंदगी संवार सकता हूं। तो मार्वल अपने फेज 5 में बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग मूवी रिलीज कर रहा है, उनमें से एक है द मार्वल्स। ये सीक्वल होने वाला है 2019 की द कैप्टन मार्वल का, और ये मूवी कनेक्टेड होने वाली है अपकमिंग डिज्नी प्लस 3 सीक्रेट इन्वेजन से, जिसमें हमें निक फ्यूरी देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी हम सबको कब तक देखने को मिल सकती है? तो इस मूवी की ऑफिशियल डेट जुलाई 28, 2023 की आ चुकी है, और ये मूवी इस डेट से पहले भी आ सकती है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस मूवी की रिलीज डेट को थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अब इस मूवी का प्रोडक्शन वर्क खत्म हो चुका है, तो हमको जल्द ही मूवी देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी की कास्ट में हमको देखने को मिलेगी अपनी कैप्टन मार्वल, जिसका रोल ब्री लॉरेंसन प्ले करती है, और इनके साथ साथ इनको ज्वाइन करेंगी इमान विलानी, जो प्ले करती थी कमला खान का रोल, यानी कि मिस मार्वल। मिस मार्वल एक टीनेज सुपर हीरो है जो कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। तो इस मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है आपको बता दें। तो हमको मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला कि मिस मार्वल एंड कैप्टन मार्वल की बॉडी स्विच हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मूवी उसी के राउंड हो कि मिस मार्वल कैप्टन मार्वल की पावर्स को कंट्रोल न कर पाए और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए, और फिर इस चीज को फिक्स करने के लिए कैप्टन मार्वल क्या करती है, ये हो सकता है। और इस मूवी का विलन भी हमको कंफर्म हो चुका है, जो कि है जावे स्टन। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये क्या रोल प्ले करने वाली है। और इस मूवी से रिलेटेड ये भी रूमर्स निकल कर आ रही हैं कि निक फ्यूरी इस मूवी में हमको वापस देखने को मिलेंगे। और जैसे कि ये मूवी कनेक्टेड हो सकती है डिज्नी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन से, तो ये होने के काफी चांसेस हैं। हम सब मार्वल फैंस निक फ्यूरी को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी होगी और फिल्म को लोगों के सामने अच्छे से दर्शाया जाएगा तो जरूर हिट होगी। बाकी हम भी यही चाहते हैं कि फिल्म हिट हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।